Yes, students, in the last lecture we were discussing about the NCERT exercise and we have discussed about the four questions, first, second, third and fourth. जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस किया था बोर्स मॉडल ऑफ एटम और उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे उनके बारे में डिस्कशंस किए थे हमने. नाउ टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज कंपेयर ऑल द मॉडल्स ऑफ एटम गिवन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर जितने भी एटम्स के मॉडल गिवन है उन सबके बारे में आपको क्या करना है, कंपेरिजन करना है. तो बेसिकली वी हैव थ्री मॉडल्स ऑफ एटम इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन, फर्स्ट मॉडल वॉज गिवन बाय मिस्टर जे जे थॉमसन एंड सेकेंड मॉडल वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड थर्ड मॉडल वॉज गिवन बाय नील्स बोर. हमने तीन मॉडल्स के बारे में स्टडी की है. किसके मॉडल्स? तो आंसर है एटम्स के मॉडल. देखिए, जे जे थॉमसन के मॉडल में हमने ये स्टडी किया था कि जे जे थॉमसन ने ऐसा माना था, इनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, सिर्फ एक अजम्पशन थी कि हाँ एटम का मॉडल ऐसा हो सकता है. ओके, तो जे जे थॉमसन के मॉडल में हमने ये देखा कि वो सिर्फ अजम्पशन थी कि हाँ हो सकता है कि एटम का मॉडल इस तरह का दिखता होगा. तो उन्होंने ये बताया था दैट एन एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. एक एटम जो है वो एक स्फीयर है. किसका? पॉजिटिव चार्ज का, विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एवरीवेयर एंड इन बिटवीन देयर आर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस एटम. तो एक जनरल सा मॉडल था जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो एटम है एक स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है. उस स्फीयर के अंदर सब जगह पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा और बीच बीच में कहीं पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. लेकिन इस मॉडल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, बिकॉज इट इज नॉट द करेक्ट मॉडल ऑफ द एटम. ये सही मॉडल नहीं है एटम का और इस मॉडल को गलत प्रूफ कर दिया गया. किसने? तो आंसर है रदरफोर्ड ने. रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर ये मॉडल जो है वो सही प्रूफ नहीं हो रहा था. तो इस मॉडल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. और रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया हमें उसमें तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ये थे. जो सबसे पहला रिजल्ट था कि जो एटम है जब हम उसकी तरफ अल्फा पार्टिकल्स को डालते हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकल जाते हैं? स्ट्रेट पास हो जाते हैं. स्ट्रेट पास हो जाते हैं तो इसका मतलब सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है. तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर ये सामने आया कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो गलत था. और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, क्या क्या बातें थी? तो सबसे मेन बात ये थी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी. एक एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या होगा? खाली होगा, एम्प्टी होगा. और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा? एट द सेंटर ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस. रदरफोर्ड ने इसको क्या नाम दिया? इसको न्यूक्लियस बोला, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज और मास होगा. और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहेंगे? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के अंदर रिवोल्यूशन करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स आर एट द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के बाहर होंगे ऑर्बिट्स के अंदर. तो ये जो मॉडल था ये किसका था? ये रदरफोर्ड का मॉडल था. लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक्स थी. क्या क्या ड्रॉबैक्स थी उसमें? इसकी ड्रॉबैक ये थी कि रदरफोर्ड जो मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताया गया. उसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स कौन सी ऑर्बिट में कितने रहेंगे. ओके, तो फिर रदरफोर्ड के मॉडल की जो जो ड्रॉबैक्स थी, एक ड्रॉबैक और थी. मैक्सवेल ने एक क्वेश्चन किया था कि इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सिलरेटेड चार्ज है, सर्कुलर मोशन में जो भी चार्ज होगा वो एक्सिलरेटेड चार्ज होगा. और एक्सिलरेटेड चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है, मतलब अपने अंदर से एनर्जी निकालता है. तो अगर ये अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और ये किस तरफ चलता जाएगा? न्यूक्लियस की तरफ. और लास्ट में कहां पर गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा.
तो एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा. दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द मैक्सवेल. ओके, मैक्सवेल ने इसको रदरफोर्ड से पूछा. ओके, ये जो भी क्वेश्चंस थे, मैक्सवेल ने जो भी क्वेश्चंस किए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर कम होती जाएगी तो उसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी और वो एक स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व करता हुआ लास्ट में किसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा. इट विल फॉल टू द न्यूक्लियस एंड द एग्जिस्टेंस, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम ड्यूरिंग दिस टाइम. और इसके बाद में एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता है. नेचर में हम लोग देखते हैं जो एटम्स है दे आर हाईली स्टेबल, वो हाईली स्टेबल है, बिलियंस ऑफ ईयर से वो ऐसे ही है, उनका एग्जिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे. तो नील्स बोर ने इसको करेक्ट किया. सबसे पहला पोस्टुलेट उन्होंने किस बात के लिए दिया, उन्होंने बोला कि जो भी ऑर्बिट्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम स्टेबल ऑर्बिट्स बोलेंगे. स्टेबल ऑर्बिट्स का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो इस ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करेगा और किसी भी तरह की एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा. सो इट्स एनर्जी विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, ना तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, और इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी. तो ये इसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा एंड दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट और यू कैन से दैट स्टेशनरी ऑर्बिट. सो दिस वॉज द फर्स्ट पोस्टुलेट बाय द नील्स बोर. और सेकेंड पोस्टुलेट ये था कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है. द सेकेंड पोस्टुलेट वॉज अबाउट द ट्रांजिशन. ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में क्या होगा, ट्रांजिशन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट, लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट व्हेन इट इज एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, बाहर से उसके ऊपर लाइट एनर्जी डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे या इसको हीटअप करेंगे, किसी भी तरह से हम इसको एनर्जी दे सकते हैं. तो अगर बाहर से इसको एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी किसके डिफरेंस के बराबर होगी, एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी. जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, इनका एनर्जी डिफरेंस मान लीजिए कितना है, 95. यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 100 एनर्जी से रिवॉल्व करेगा, और दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 95. तो अगर ये बाहर से एनर्जी लेता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन आर द, देखिए इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन्स एनर्जी पैकेट्स होते हैं. ये कौन रिलीज करता है, तो आंसर है ये सोर्स रिलीज करता है. जैसे सन एक सोर्स है, तो सन से जो भी लाइट एनर्जी आ रही है वो किस वे में आ रही है, तो आंसर है फोटॉन्स के, पार्टिकल्स के रूप में आ रही है. और ये पार्टिकल्स में क्या होगा, इट इज हैविंग ओनली एनर्जी, इनका मास नहीं होता है, क्या होती है इनके पास, सिर्फ एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है. फिजिक्स में आपने स्टडी किया होगा मोमेंटम. सो फोटॉन्स आर कंटेनिंग टू थिंग्स, एनर्जी एंड मोमेंटम. तो अगर इसके पास एनर्जी है तो जब ये फोटोन आकर के इस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. आफ्टर एब्जॉर्बिंग इट विल जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट. इसको लोअर एनर्जी स्टेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है. इसको हायर एनर्जी स्टेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है. एंड इट विल जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी. अब ये ट्रांजिशन करके सेकंड ऑर्बिट में आएगा, अगर किसी कारण से सेकंड ऑर्बिट में नहीं रह पाया तो दोबारा से कहां आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा. अब अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में था और उसको फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करना है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी 5 होनी चाहिए. तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी. पहले इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, तब ये लोअर से हायर में आया था, अब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी. वो ये एक्स्ट्रा एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, और यू कैन से दैट फोटॉन्स की फॉर्म में ये एनर्जी को रिलीज करेगा. और इस वजह से हमें एटम्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं. जैसे कि हमारे पास ये मटेरियल है, चौक है, इसके अंदर कैल्शियम, ऑक्सीजन, जिसके भी एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यही कर रहे हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स हायर लोअर से पहले हायर में जाते हैं, फिर हायर एनर्जी स्टेट से दोबारा लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, तो किसका रेडिएशन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन करते हैं. और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारी आईज में आती हैं, और हमारी आईज सेंसिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होती है. लेकिन हमारी आईज किसके लिए सेंसिबल है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. तो आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं वो किस वजह से देख पा रहे हैं, बिकॉज वी आर
अवर आईज आर एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या रेडिएट कर रहे हैं, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहे हैं, इसी वजह से हम एटम्स को देख पाते हैं। तो एक एटम को देखना वो भी किसके कारण से होता है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होता है वो किसके कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होता है, और इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो ये तीन मॉडल है, इनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, नोट्स के अंदर भी इनके बारे में लिखा हुआ है काफी कुछ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समराइज द रूल फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम। एक एटम के अंदर जितने भी शेल्स होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो सारे रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज अवर सिक्स्थ क्वेश्चन। तो वो रूल्स हमने डिस्कस किए थे, कौन सी स्कीम में डिस्कस किए थे, तो आंसर है बोहर बरी स्कीम। नील्स बोर एंड बरी, ये दो साइंटिस्ट के अलग अलग रूल्स थे, इन दोनों को कंबाइन कर दिया आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी हमने डिस्कस किया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए बोहर बरी स्कीम में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किया था, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, देयर इज अ सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड, देखिए जो भी सेंटर होगा एटम का दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस बोला जाएगा, और इस न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बाद में हुई थी रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में, तो उसके बाद में इसको भी ऐड कर दिया गया कि एक न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। अब फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, एन इज इक्वल टू वन, और इसको आप फर्स्ट ऑर्बिट बोल सकते हैं, या इसकी बजाय हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट विल बी अकोमोडेटेड बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, टू एन स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू वन पुट करेंगे, और यहां पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू, वैल्यू ऑफ एन इज वन, सो इट विल बी टू। वन का स्क्वायर करेंगे वन आएगा, टू इंटू वन। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट विच इज नोन एज एल शेल, इट कैन अकोमोडेट एट इलेक्ट्रॉन्स बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम एन की वैल्यू टू पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन स्क्वायर, एन की वैल्यू यहाँ पर टू जैसे ही लिखेंगे, सो इट विल बी टू इंटू टू स्क्वायर, फोर, एट इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकेंड ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकती है, हेल्ड कर सकती है, होल्ड कर सकती है, एट इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट ऑर्बिट इज थर्ड ऑर्बिट, इट इज नोन एज एम शेल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकती है। फोर्थ ऑर्बिट इज एन इज इक्वल टू फोर, एंड दिस इज एन शेल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद में फिफ्थ ऑर्बिट के लिए भी देख सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन के आसपास आएंगे उसमें, 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम इनको फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। इसके अलावा हम इनको एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल एंड फोर्थ एनर्जी लेवल। अब एनर्जी लेवल क्यों बोल रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया नील्स बोर ने इस वर्ड को यूज किया था एनर्जी लेवल, बिकॉज इन दीज ऑर्बिट्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, इसमें और ज्यादा होगी, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा। तो जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सो दिस इज द बोहर बरी स्कीम। और इसमें हमने एक चीज और स्टडी की थी कि जो लास्ट ऑर्बिट होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग हीलियम की बात करेंगे या हाइड्रोजन की बात करेंगे,
तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हीलियम। हीलियम की स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, सो इन द न्यूक्लियस देर आर 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम एंड इन द फर्स्ट ऑर्बिट देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। और आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो सबसे लास्ट ऑर्बिट होगी उसको क्या बोला जाएगा, उसको ऑक्टेट बोला जाएगा। जैसे कि हम लोग हीलियम के लिए बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, तो हम उस ऑर्बिट को क्या बोल सकते हैं, ऑक्टेट बोल सकते हैं। और इस ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। जो लास्ट ऑर्बिट होगी किसी भी एटम की, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। Define valency by taking the example of silicon and oxygen. सबसे पहले वैलेंसी के बारे में देखिए, हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखी है नोट्स के अंदर, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। Is called its valency. देखिए ये combining capacity हम लोग कैसे decide करेंगे, तो answer है valence electron से। किससे decide करेंगे, valence electron से decide करेंगे। मैं सबसे पहले element की बात करता हूँ अभी, hydrogen। Hydrogen के बारे में हमें पता है कि इसके nucleus में एक proton होता है और first orbit में एक electron होता है और इसका symbol क्या लिखा जाता है, 1H1। This is atomic number, this is mass number. किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो चीजें लिखते हैं, एलिमेंट का सिंबल और यहां पर लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, मास नंबर। सो जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड कैपिटल ए इज द मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और यू कैन से दैट मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कहां पर रहते हैं, जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। अब न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। एनीवेज, हम लोग इस हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, दैट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इट इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आंसर है 2। अभी मैंने आपको बताया था ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल में ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने वो अकोमोडेट कर सकता है, 8 कर सकता है। लेकिन अगर किसी एटम के अंदर ऑर्बिट ही फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमें नेचर में कहीं भी देखने को नहीं मिलती, अकेला एच आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमेशा आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ये आपको या तो एच सिंगल बॉन्ड एच, ये आपको H2 की फॉर्म में मिलेगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, या आपको ये किस फॉर्म में मिलेगा, H+ आयन की फॉर्म में मिलेगा।
तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आसपास से एनर्जी गेन करेगा। जैसे अर्थ जब क्रिएट हुई थी तो उस समय पर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इतने हाई टेम्परेचर पर ये पॉसिबल था कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, फ्री हो जाएं। तो ज्यादातर यही हुआ, ये जो हाइड्रोजन थी इसके इसको एनर्जी मिली इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री हुआ ये ऑर्बिट खत्म हो गई। अब ये जो सिंगल प्रोटॉन बचा, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, H+ आयन बोलते हैं। जब ये, जब इसकी स्ट्रक्चर ये थी तब हम इसको H क्यों बोल रहे थे, तब हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे, इसको एटम बोला जाएगा। अभी हम इसको क्या बोलेंगे, अभी हम इसको आयन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितना था, एक प्रोटॉन है, मतलब कि 1 पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही नेगेटिव चार्ज था, और इसका नेट चार्ज कितना था। जब भी हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे तो कौन से चार्ज की बात कर रहे होंगे, नेट चार्ज। इसका नेट चार्ज था 0। तो जो न्यूट्रल था तब हम उसको क्या बोल सकते थे, एटम बोल सकते थे। लेकिन अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो यहां पर सिर्फ क्या रह जाएगा, यहां पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका नेट चार्ज कितना आएगा, +1। सो इट विल बिकम ए कैटायन। ये H+ जो होगा इसको क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया, ये कैटायन बन गया, पॉजिटिव आयन, दैट इज कॉल्ड कैटायन। अब ये H+ किसके साथ कंबाइन हो सकता है, तो आंसर है नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन हो सकता है। अच्छा, पहले ये कंबाइन नहीं हो सकता था, जब ये इस फॉर्म में था, जब ये क्या था, जब ये हाइड्रोजन एटम था, तब ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब ये आयन बन गया, अब ये किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है, तो आंसर है ये किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है, O-2 की तरफ। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, इसीलिए उसकी वैलेंसी 2 होती है। तो ये H+ किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए, O-2 की तरफ अट्रैक्टेड हो गए। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। अच्छा, ये एक काम और कर सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो पाया, किसी कारण से एनर्जी नहीं मिली और इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है। अब देखिए क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसकी स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, एक प्रोटॉन और इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसमें एक प्रोटॉन और इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी रिवोल्यूशन करेगा और एक रिवोल्यूशन इसमें कर देगा, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे उस समय पर, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवोल्यूशन कर रहा होगा और इसमें रिवॉल्व करता करता एक रिवोल्यूशन इसमें भी कर देगा, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों कौन सी गैस का कॉन्फिग्रेशन गेन कर लेंगे, दोनों कौन सी गैस का कॉन्फिग्रेशन गेन कर लेंगे, तो आंसर है हीलियम गैस कॉन्फिग्रेशन। हीलियम गैस कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, हीलियम की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है, इट इज हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड इन द फर्स्ट ऑर्बिट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो कॉन्फिग्रेशन है, ये कितना कॉन्फिग्रेशन है, इसको हम लोग 2 से लिखते हैं। तो यहां पर इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो फिर से वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो वैलेंसी किस पे डिपेंड करेगी, कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 लिखी गई। ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या लिखी गई, 1। हीलियम की वैलेंसी कितनी होगी, हीलियम, हीलियम इज विच काइंड ऑफ गैस, हीलियम कैसी गैस है, इनर्ट गैस है। इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव, ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करने की जरूरत है और ना लॉस करने की जरूरत है। इसके आउटर ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो इसीलिए इस गैस को क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस बोला जाता है। तो हाइड्रोजन ने किसका कॉन्फिग्रेशन गेन किया, हीलियम गैस कॉन्फिग्रेशन। अच्छा, और एग्जांपल सुनिए वैलेंसी के बारे में,
और एग्जांपल हम लोग ऑक्सीजन का लेते हैं, अभी मैंने ओ माइनस टू लिखा था। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन एटम के लिए लिखते हैं सबसे पहले। ऑक्सीजन एटम क्या होगा, जिसमें 8 प्रोटॉन्स होंगे, 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्सीजन एटम, और इसका सिंबल होगा 8O16। ये 8 किसके लिए लिखा गया, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग द एटॉमिक नंबर 8। और ये 16 क्यों लिखा, बिकॉज इट इज हैविंग 16 न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 16 न्यूक्लियॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। सो दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द मास नंबर, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। नाउ इन द फर्स्ट ऑर्बिट इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन। इन द सेकंड ऑर्बिट इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 2.6। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दैट इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स, सो इट इज हैविंग प्लस 8 चार्ज। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन, सो द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर ऑल्सो 8। सो द नेट चार्ज, इसका नेट चार्ज क्या होगा, इसका नेट चार्ज 0 होगा, तो ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन ऐसा एटम आपको मिलेगा नहीं, नेचर में ये एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, या तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे कि सेकेंड ऑर्बिट ही खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इतनी एनर्जी अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है। अर्थ का जो कोर का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 4000 डिग्री सेल्सियस है, और सरफेस टेम्परेचर तो हमें पता है वो तो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मैक्सिमम 40 डिग्री 50 डिग्री तक जाता है और मिनिमम -10 -15 तक होता है अलग अलग अगर हम रीजन की बात करें तो। तो एनीवेज इस ऑक्सीजन को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, लेकिन ये एक काम कर सकते हैं, अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, 2 का स्पेस खाली पड़े, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। अभी मैंने आपको हाइड्रोजन का एग्जांपल बताया था, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो इलेक्ट्रॉन गया नेचर में, सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी तो है, वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है, तो आंसर है यस। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो भी ये ले सकता है, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पोटेशियम डोनेट करता है, लिथियम डोनेट करता है, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो नेचर में हमारे आसपास इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है, ये ऑक्सीजन गेन कर सकता है। अगर इस ऑक्सीजन ने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो क्या होगा, इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्फिगरेशन के बारे में बात करते हैं। सो इट्स कॉन्फिगरेशन विल बिकम 2.8। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10। नेट चार्ज के बारे में बताइए, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स का नंबर चेंज हुआ क्या, प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं हुआ, सो द पॉजिटिव चार्जेस आर +8 एंड नेगेटिव चार्जेस आर -10। 2 + 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10, सो द नेट चार्ज विल बी -2, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, O-2, and it will become ion. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन बन जाता है, इसके बाद ये किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, किसी पॉजिटिव एलिमेंट की तरफ ये अट्रैक्टेड हो जाएगा और उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि अगर ये कैल्शियम की तरफ अट्रैक्टेड हो गया, वो क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम एक मेटल है और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिलीज करता है अपनी आउटर ऑर्बिट से और क्या बन जाता है, Ca+2। तो ये O-2 किसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, Ca+2 की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है और क्या कंपाउंड बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम कैल्शियम को उठाएंगे तो ऑक्सीजन साथ में आएगी, ऑक्सीजन को उठाएंगे तो क्या साथ में आएगा, कैल्शियम। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इनके बीच में जो भी फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, कंबाइन रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। अगर आप इसको अलग करना चाहते हैं तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वेरी हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जा करके इनको आप अलग कर सकते हैं। मैं आपको एक कंपैरिजन बता देता हूं, जैसे कि मेरे पास ये दो एटम्स हैं, इनके बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा तो हमने माना ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, 10^36 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन फिर किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है और ये क्या बन गया, ये आयन बन गया। अच्छा, इसका कॉन्फिग्रेशन कौन से एलिमेंट के साथ मैच करता है, 2.8 ये कौन से एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है, तो आंसर है नियोन गैस का, 10th एलिमेंट। जो 10th एलिमेंट है वो कौन सा है, नियोन। और नियोन की स्ट्रक्चर में देखिए क्या होगा, नियोन इज हैविंग 10 प्रोटॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है इसका, और इसकी फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स कॉन्फिग्रेशन इज 2.8 एंड इट इज ऑल्सो एन इनर्ट गैस। ये भी कैसी गैस है, इनर्ट गैस है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूरा है तो क्या इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने या डोनेट करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। अगर नहीं पड़ेगी तो इसकी वैलेंसी जीरो है। और ऐसी गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो ये जो हाइड्रोजन एटम था, इसने किसका कॉन्फिग्रेशन गेन किया, नियोन गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो 2.8 नियोन गैस का कॉन्फिग्रेशन होता है, जब ये O-2 आयन बन जाएगा तब इसका कॉन्फिग्रेशन क्या होगा, 2.8 विच इज द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द नियोन गैस, जो किसका कॉन्फिग्रेशन है, नियोन गैस का। अच्छा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 2। कितनी वैलेंसी होगी इसकी, 2 वैलेंसी। तो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, अच्छा एक शेयरिंग का एग्जांपल भी आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी पॉसिबल है। हम इसके लिए कार्बन